नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर सिंगरौली से है। यहां पर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा पॉलिथिन के विरोध में एक रैली निकाली गई। गौरतलब है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में स्वच्छता को लेकर और वन टाइम यूज प्लास्टिक को नकारने को लेकर रैलियां आयोजित की जा रही हैं। जिले के मोरवा क्षेत्र में महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एसडीओपी मोरवा और थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस स्टाफ सहित सिंगरौली साइट कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा पॉलिथीन के विरोध युक्त पोस्टर बैनर सहित नारेबाजी करते हुए पॉलिथीन और प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और जनमानस को पर्यावरण से बचाने के लिए मार्केट और अन्य क्षेत्रों में वृहद रैली का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। वर्षगांठ पर जो देश के द्वारा फ्री प्लास्टिक नो प्लास्टिक का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें मैं अपनी संस्था के साथ अपने बच्चों के साथ उस कार्यक्रम का भागीदार बन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, हमारी संस्था चाहती है कि से नो टू प्लास्टिक है, उसके लिए हम एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सिंगरौलीवासी जागरूक हों और प्लास्टिक को ना कहें, जिससे देश का वातावरण शुद्ध हो, देश के लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहा है इस देश का। सिंगरौली जिले के बैढ़न में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर एक रैली निकाली गई। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत जन जागरूकता विशाल रैली निकाली गई। सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक द्वारा प्लास्टिक का उपयोग न करने और जल संरक्षण तथा शहर को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य व देवसर विधायक सुभाष वर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के भारतीय जनता पार्टी के आह्वान में आज गांधी जी की 150वीं जयंती के पूरी होने के उपलक्ष्य में हमने एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, जिसमें सभी सांसद विधायक अपने क्षेत्र में 50 किलोमीटर तक की पदयात्रा हर एक गाँव में हर एक वार्ड में आरम्भ करेंगे। और इस पदयात्रा का उद्देश्य जो है वो ये रहेगा कि हमारा वातावरण स्वच्छ और पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम रोक सकें, एकल उपयोग प्लास्टिक का हम उपयोग कर सकें और जल संरक्षण हमें करना है। इसका इन तीनों विषयों का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जन जन को बता रहे हैं, दुकानों में इस बात को हम रख रहे हैं कि जो प्लास्टिक की थैली है उसका उपयोग ना करें, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है। और आज के समय में जितनी भी अधिक बीमारियां हैं, जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसको बचाने का सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि उपाय ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष को लगाएं, ज्यादा से ज्यादा हरियाली पर ध्यान दें, एक एक व्यक्ति एक एक पौधा लगाने का संकल्प लें और हम प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और जल संरक्षण पर हम विशेष ध्यान दें। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।